संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान एवं दर्शन आयुर्वेद। आयुर्वेद न केवल स्वास्थ्य का विज्ञान है, अपितु हम कैसे निरोग रह सकते हैं उसकी भी गहन जानकारी आयुर्वेद के अंदर दी गई है। और आयुर्वेद की चिकित्सा के लिए आयुर्वेद को अष्टांग आयुर्वेद के रूप में बांटा गया है। और आयुर्वेद न केवल मनुष्य मात्र की बात करता है चिकित्सा के लिए, वह आयुर्वेद का संबंध प्राणी मात्र के हित से है, यानी मनुष्य के साथ साथ पशु जगत से संबंधित और यहाँ तक कि वृक्षों से संबंधित रोगों की चिकित्सा का भी वर्णन आयुर्वेद के अंदर मिलता है। अलग अलग हमारे संतों ने, महर्षियों ने इन सब विषयों पर अलग अलग ग्रंथ लिखे हैं। यदि प्राचीन काल की बात करें तो अश्व आयुर्वेद यानी घोड़े से संबंधित, गजा आयुर्वेद हाथी से संबंधित, गवायुर्वेद गौ से संबंधित और वृक्षायुर्वेद वृक्षों के संदर्भ के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं, हम लोगों को समझना चाहिए कि आयुर्वेद का विषय क्षेत्र बहुत विस्तृत है। और इस विज्ञान में जहाँ कष्ट साध्य एवं असाध्य माने जाने वाले रोगों की विवेकपूर्ण चिकित्सा का वर्णन है, वहीं इस बात पर भी विशेष बल दिया गया है कि सामान्य मनुष्य अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, रोगों के आक्रमण से बचने के लिए किस तरह से आयुर्वेद काम करता है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि इसके लिए आयुर्वेद में बहुत विस्तार के साथ में स्वस्थ वृत्त का वर्णन है और उसमें बताया है कि मनुष्य को दिन रात या दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, अलग अलग ऋतुओं में किस प्रकार का खान पान करना चाहिए, कैसा आचार व्यवहार विचार होनी चाहिए, या हमको किस चीज़ को करना चाहिए, किस से हमको बचना चाहिए, या अपनी जो प्राकृतिक आवश्यकता जो नेचुरल डिजायर्स हैं भूख प्यास आदि की पूर्ति हमको किस तरह से हम कर सकते हैं, और प्राकृतिक रोग जैसे वृद्धावस्था में होने वाली जो बीमारियां हैं या जो आयु के हिसाब से जो समस्याएं हैं उनसे कैसे बचा जाए, इन सब विषयों का बहुत ही विस्तृत वर्णन है आयुर्वेद में। इसीलिए आयुर्वेद को हम अष्टांग आयुर्वेद भी कहते हैं, यानी कि आयुर्वेद के अंदर चिकित्सा के लिए जिन 8 अंगों का, या मैं यह कहूँ कि आयुर्वेद के व्यापक विषय क्षेत्र को 8 भागों में बांटा है, इसको अष्टांग आयुर्वेद हम कहते हैं। और आयुर्वेद की 8 शाखाओं के जो है नाम से भी हम जानते हैं, जो 8 भागों में बटा हुआ आयुर्वेद है उसको अष्टांग आयुर्वेद या आयुर्वेद की 8 शाखाओं के नाम से जाना जाता है। इन शाखाओं के नाम और परिचय अष्टांग संहिता के अंदर इस तरह से दिया गया है, काय बाला ग्रहोर्धांग शल्य दृष्टा जरा विषयी, इस रूप में गिनाया गया है। ये जो 8 अष्टांग आयुर्वेद है, आज हम इसके विषय में चर्चा करेंगे कि क्या है ये अष्टांग आयुर्वेद, इसके अंदर इसको हम कैसे समझें। तो यहाँ जो पहला शब्द, जैसे हमने कहा काय चिकित्सा जो पहला अंग है, तो काय चिकित्सा के अंदर हमको ये समझना है कि काय क्या है। काय यह शरीर को भी काय कहते हैं, परंतु यहाँ पर तात्पर्य अग्नि से है, यानी कि काय चिकित्सा से तात्पर्य इस देह के अंदर जो अग्नि है, जो अग्नि तत्व काम कर रहा है उसकी चिकित्सा से तात्पर्य है। यानी कि आयुर्वेद की दृष्टि से हम कहें कि अग्नि शब्द है उसका जो अभिप्राय है, जो उसको हमें संपूर्ण दर्शन को भी थोड़ी सी समझने की आवश्यकता है कि अग्नि किसको कहते हैं। यानी कि शरीर की एक एक जो मूलभूत कोशिका से लेकर के पूरा शरीर तंत्र जो हर समय एक सतत जीवनीय प्रक्रिया से, यह जो शरीर है सतत जीवनीय प्रक्रिया से गुजर रहा होता है, तो इस जो सतत जीवनीय प्रक्रिया से जो गुजर रहा है, जो जीवन जो चल रहा है, उसके अंदर आयुर्वेद में इसे त्रिदोष तथा आधुनिक आयुर्विज्ञान के अंदर में, हम आयुर्वेद में तो त्रिदोष कहते हैं, त्रिदोष में
वात पित्त कफ, हम इसकी आगे बहुत विशद चर्चा करेंगे और आपको हम अच्छी तरह से बताने का प्रयास करेंगे। पर मॉडर्न यदि हम सिस्टम के हिसाब से बात करते हैं एलोपैथिक या मॉडर्न मेडिकल साइंस के अंदर, इसे हम एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, इस तरह से तीन नाम दिया गया है जो शरीर की मूल ऊर्जा जब तक ठीक रहती है, यानी जब तक हमारी अग्नि ठीक होती है या जब तक ठीक काम कर रही होती है शरीर के अंदर, तब तक जो त्रिदोष, जैसे मैंने कहा त्रिदोष हैं सप्त धातुओं की जो समावस्था रहती है, यानी कि तीन दोषों की जो समावस्था की स्थिति ही आयुर्वेद के अंदर जो स्वस्थ की परिभाषा के अंदर है, उसके अंदर ही मल विसर्जन की जो क्रियाएँ हैं हमारी वो ठीक रहती हैं, शरीर की समस्त जो आंतरिक क्रियाओं का संचालन ठीक बना रहता है, समुचित रूप से होता रहता है, मन व आत्मा की प्रसन्नता भी रहती है, इसके साथ में व्यक्ति अपने संपूर्ण ऊर्जा का विकास या उपयोग करता रहता है। इस तरह से संपूर्ण स्वास्थ्य आरोग्य की मैं कह सकता हूँ कि यही संपूर्ण परिभाषा है। आयुर्वेद की जो काय चिकित्सा नामक शाखा है वह शरीर की इस मूलभूत ऊर्जा जठराग्नि पर ही मुख्य रूप से केंद्रित है। यह मूलभूत ऊर्जा ठीक होगी तो व्यक्ति विविध तरह के जो शारीरिक दोष हैं, जैसे मोटापा है, पतलापन है, या भार के संतुलन के साथ साथ में जो हमारे बॉडी के जो केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं, साल्ट हैं, यानी कि शरीर की जो रसायन है, लवण है, जो ग्रंथि का स्राव है, उसको केमिकल हार्मोन्स और साल्ट जो कहते हैं, वो एक संतुलन ठीक बना रहेगा। हमारी जो सप्त धातु अग्नि है, पंचभूताग्नि है, जठराग्नि है, इस तरह से ये 13 प्रकार की अग्नियों की बात आयुर्वेद में की गई है, हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी उसकी बात की गई है। तो ये अग्नि मूल शक्ति है जो शरीर में चलाती है। जैसे मैंने कहा कि काय का तात्पर्य जो अग्नि है, अग्नि में सप्त धातु अग्नि हो गई, पंचभूताग्नि हो गई और जठराग्नि हो गई, इस तरह की जो 13 अग्नियाँ हैं आप इसको समझिए, तो मूल शक्ति है शरीर के अंदर। तो जिस प्रकार, जिस पर हम सप्त धातुओं और पंच महाभूतों से निर्मित, यानी कि 7 धातुएँ हैं, पंच महाभूत है, इससे यह जो शरीर है, जो शरीर के चयापचय जो प्रक्रिया है उस पर ही निर्भर करती है। इसीलिए आयुर्वेद की जो चिकित्सा का मूल आधार है या मूल भाग है, ये काय चिकित्सा या अग्नि चिकित्सा है। यानी कि आयुर्वेद में जो सभी उपचार प्रक्रियाएं हैं, सभी यौगिक क्रियाएं हैं, सभी प्राकृतिक चिकित्साएं हैं, सभी जितने भी उपाय बताए गए हैं, जितनी भी विधाएँ बताई गई हैं, जितने भी हम प्रक्रियाएं बता रहे हैं, उन सब का मैं एक तरह से कहूं कि उसका मुख्य प्रयोजन है शरीर की जो ये मूलभूत अग्नि है, ऊर्जा है, उसको जागृत करना, जागृत के साथ साथ में उसको नियंत्रित करना और उसका संतुलन बनाए रखना। तो इस तरह से जो 13 प्रकार की जो जठराग्नि है, 13 प्रकार की जो अग्नि है, उनमें से जो जठराग्नि है उसको प्रमुख अग्नि कहा गया है, यानी कि आधारभूत अग्नि कहा गया है। जठराग्नि को ही पाचक अग्नि भी कहते हैं, डाइजेस्टिव जो पावर है, जो भी हम लेते हैं वो पाचन की जो प्रक्रिया को जो करने वाला जो सामर्थ्य है, शक्ति है, वह है जठराग्नि। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो पाचक अग्नि की मंदता और जो अनियमितता है, उससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। उन बीमारियों को रोकने के लिए जो हम उपाय बताते हैं, जो हम चिकित्सा करते हैं आयुर्वेद में, उसे काय चिकित्सा कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि इस तरह से इस शाखा के अंतर्गत, यानी काय चिकित्सा के अंतर्गत उन सारी बीमारियां आ जाती हैं और उन सारे रोग, उसके बीमारियों को रोकथाम भी इसके अंदर सम्मिलित हो जाता है जो शरीर को प्रभावित करते हैं, यानी कि हमारे सारे शरीर को जो प्रभावित करते हैं, जैसे हो गया ज्वर हो गई, उन्माद हो गया, जिसमें प्रमेह हो गया, डायबिटीज़ हो गई या जिसको हम मधुमेह कहते हैं, या मूत्र संबंधी दूसरी बहुत सारी बीमारियां हो गई, जिसमें गाउट हो गया, वातरक्त जिसको बोलते हैं, गठिया बोलते हैं हम लोग, या रक्तपित्त हो गया शरीर में से, किसी भी शरीर में से जो ब्लीडिंग वगैरह होती है, या कुष्ठ की बीमारी हो गई, अतिसार हो गया जिसको दस्त वगैरह बोलते हैं, सूजन वगैरह हो गया, शोफ वगैरह है, शोष जिसको बोलते हैं, पांडू है, रक्तल्पता है, अरुचि है, मोटापा है, बवासीर है, शूल है, शरीर में दर्द वगैरह होना, पेट संबंधी जो बीमारियां हैं और पेट में जलोदर वगैरह होना है, जैसे लोग कहते हैं गुप्त रोग, भयानक रूप से जो इतने भी स्त्री और पुरुष की सारी जो बीमारियां हैं, ये सब रोग लगभग इसके अंदर, इस विषय के अंदर ये सब आ जाता है। यानी काय चिकित्सा जठराग्नि को, इससे पूरे जो इस देह को, जो 13 हमारी अग्नि है, उनकी चिकित्सा करना, यह काय चिकित्सा कहलाता है। इसी तरह से दूसरे नंबर पर हमारा आता है
जिसको हम कहते हैं बाल रोग चिकित्सा। बाल रोग चिकित्सा को कौमार भृत्यम नाम, यानी कि कौमार भृत्य जिसको कहा जाता है, कि बाल रोग चिकित्सा के लिए मैं ऐसा मानता हूँ कि वह बाल रोग की चिकित्सा प्रारंभ हो जाती है गर्भ स्थिति से ही। जब बच्चा गर्भ में होता है, यानी तब से ही इसकी चिकित्सा माँ के माध्यम से हम गर्भ की रक्षा के जो उपाय करते हैं, गर्भ की रक्षा के लिए जो विधाएं और जो चिकित्साएं दवाइयां बताई जाती हैं, और गर्भिणी की स्वास्थ्य की रक्षा एवं उसके रोगों की चिकित्सा, और उसके बाद में जब वो हमारे यहाँ गर्भ जब ठहरता है उसमें प्रति माह के लिए 3 महीने के बाद में चतुर्थ मास की, पंचम मास की, षड मास की, सप्त मास की, नव मास, पूरी एक चिकित्सा की पूरी प्रक्रिया है। आगे हम चिकित्सा की जब बात करेंगे तो वो सारी चीज़ें हम आपको अच्छी तरह से बताने का प्रयास करेंगे। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह से गर्भ की रक्षा के लिए भी आयुर्वेद में बहुत सारे औषधियों का वर्णन है। उसके बाद में जब प्रसव हो जाता है, यानी शिशु जब इस माँ के गर्भ से धरती पर आ जाता है, तो उसके बाद में भी शिशु से संबंधित सारी प्रकार की जितनी भी अवस्थाएँ हैं बच्चों की या जितनी भी चिकित्सा है, तो ये बाल रोग चिकित्सा शाखा के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें यहाँ तक भी वर्णन है कि बच्चे के लिए किस तरह की सेविका होना चाहिए, यानी दाय का चयन भी हमारे यहाँ, यानी उसको हम आज नर्स कह सकते हैं, या जो हमारी सेविका होती है, दाय माँ होती है, वो माँ से बढ़कर के होती है, उसके लिए भी हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ के अंदर में पात्रता, दाई कैसे होना चाहिए, इसके लिए बहुत विशद वर्णन है। यानी ऋषियों को पता था कि सिर्फ बच्चे की भूख प्यास के लिए ध्यान देने के लिए नहीं, अभी तो उसके जीवन संस्कार के लिए भी जो सेविका होती हैं, जो बच्चों के आसपास में होते हैं, उनका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसी के साथ साथ में माँ के दूध के संदर्भ में, क्योंकि पहले तो सेवा करने वाला सही हो, तो बच्चे का पहला जो आहार होता है वो स्तन्य होता है, जिसको हम माँ का दूध कहते हैं, तो उसमें कोई विकार न हो, और विकार हो तो दूध कम आती हो माँ के। जैसे हमारे बहुत सारे प्रयोग हैं, शतावरी पाउडर है या जीरे का काढ़ा बना करके पीना है, उस तन्य शोधक माना गया है, दूध की शुद्धि के लिए, दूध की ज़्यादा उत्पत्ति के लिए आयुर्वेद में इस तरह के बहुत सारे वर्णन हैं। तो उसकी जो माँ के दूध के विकार है उनकी चिकित्सा है। और इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ योगिनी और ग्रहों, कई बार लोगों को हम लगता है कि ग्रह है, प्रेत है, पिशाच है, ये शब्द आयुर्वेद के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस के लिए प्रयोग हुआ है, तो बहुत सारी जगह पर इस तरह की बातें की गई है, तो उनसे विविध तरह के जो है वो रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उन रोगों की चिकित्सा की गई है। तो विषाणु और बैक्टीरिया और वायरल चिकित्सा की पहले से आयुर्वेद के अंदर वर्णन है। इसके अतिरिक्त जैसे उनकी पहचान करना, उनकी चिकित्सा करना, सूती का रोग, यानी कि सूती का या प्रसूति जन्य जो रोग हैं उसको सूती का रोग हम आयुर्वेद में कहते हैं, जो प्रसव के बाद में, क्योंकि बहुत ज़्यादा माँ का जो शरीर है प्रसव के बाद में वो बहुत ही संवेदनशील हो जाता है, उस समय बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता होती है। हम मानते हैं कि आयुर्वेद में उसके लिए जितना विशद और जितनी वैज्ञानिकता के साथ वर्णन है, संभवतः अन्यत्र है, हमको ऐसा कम लगता है। इसीलिए इसको हम प्रसव के पश्चात हमारे यहाँ पहले से ही प्राचीन काल से आप देखेंगे हमारे दादी नानी के नुस्खों में, घरों में, तो अजवाइन का पानी पिलाना और इसके साथ साथ में अजवाइन के पानी के साथ में अपना जीरे का पानी पिलाना या दशमूल काढ़ा वगैरह पिलाना, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। और इसके साथ साथ में जो सावधानी जो रखना है, यानी कि यहाँ पर बाल चिकित्सा के अंदर बाल के स्वास्थ्य के लिए, बालक के लिए माँ को भी स्वस्थ रहना जरूरी है। इस भाव से जितने भी चिकित्सा की जाती है उसको हम बाल चिकित्सा कहते हैं। तीसरे जिसको हम भूत विद्या कहते हैं, कि यानी भूत विद्या के नाम पर देवासुर, गंधर्व, अक्ष, ये पितृ पिशाच, इस तरह से अलग अलग नाग, ग्रह, इन सब, यानी कि मैं इसको कहूँ कि देव है, असुर है, गंधर्व, ग्रह, राक्षस है, पिशाच है, यक्ष है, इन सब नामों का प्रयोग आयुर्वेद में बहुत सारे जीवाणुओं के लिए, विषाणुओं के लिए किया गया है। ये समझने की बात है, हम लोग ग्रह, राक्षस, पिशाच, यक्ष, डाकिनी, शाकिनी के नाम पर झाड़ पूछ इधर लगे, हाँ, झाड़ने पर भी जब हम विविध तरह के जड़ी बूटियों को जाल करके धुआं करते हैं तो विविध तरह के बैक्टीरिया और वायरल खत्म हो जाते हैं। और इसी का ही प्रयास जैसे हम यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ में भी हम बहुत उससे वातावरण की शुद्धि करते हैं, बहुत तरह के जो विषाणु जीवाणुजन्य रोग हैं उनके शमन के लिए प्रयोग करते हैं। दुर्भाग्य से शमन तो हम विषाणु जीवाणुओं का कर रहे होते थे, पहले यज्ञ करते थे, वो यज्ञ धुना में परिणित हो गया, धुने में होने के बाद में क्या होगा, जड़ी बूटियां डाल करके भी हम कहते हैं हम प्रेत, भूत प्रेतों को भगा रहे हैं,
वस्तुतः भूत प्रेत इस तरह के नहीं है जिस तरह के हमने कल्पनाएं करी, ये सब विषाणु जीवाणुओं के लिए किया गया है और मैं ऐसा मानता हूँ और आज का विज्ञान भी मानता है और इस समय पर इस कालखंड में कि किस तरह से जो विषाणु है कितना खतरनाक हो सकता है आपका जो COVID-19 से हम सब महसूस कर रहे हैं, तो इस तरह के जितने भी जो रोग हैं उनकी उत्पत्ति के कारण है, यानी कि आप देखेंगे COVID-19 भी वायरस बाहर है उतनी शक्तिशाली नहीं है, वो साबुन मात्र से भी ख़त्म हो जाता है, हैंड सैनिटाइजर से भी ख़त्म हो जाता है और हमारे को हम यदि मास्क लगा लेते हैं उससे भी नहीं घुसता है, पर जब शरीर में चला जाता है तो जा करके वो उसके लिए जो उसका आहार है वो मनुष्य है, मनुष्य का शरीर है, जब मनुष्य के शरीर में चला जाता है तो मजबूत हो जाता है, वो इतना बलशाली हो जाता है फिर उसको ख़त्म करने में कठिनाई होती है। तो मनुष्य में ये आक्रमण करें इससे पहले ये बहुत दुर्बल होते हैं, हमको ये समझना चाहिए कितने भी जीवाणु बैक्टीरिया हैं वायरल हैं जब तक वो मनुष्य के संस्पर्श में नहीं है, मनुष्य के साथ स्पर्श में नहीं है वो बहुत शक्तिशाली नहीं है, तो उन शक्तियों को यानी हम हमारे अंदर आक्रमण करके वो शक्ति को प्राप्त करते हैं, तो उसको शक्ति प्राप्त करें यानी कि मनुष्य पर लगे उससे पहले ही बचाव करना इस तरह के विषाणुओं को बैक्टीरिया वायरल को क्षण करने का उपाय है। ये आयुर्वेद में बहुत सारी जगह पर वर्णन है, तो इसलिए बहुत सारी जो बीमारियों का कारण है वह उनके दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए हमारे यहाँ शांति कर्म कहा, होम कहा, दान कहा, दान आदि जो चिकित्सा की बात की गई है ये सारी चीज़ जो करी जाती है, यानी जो हम इसी को भूत चिकित्सा कहलाते हैं, यानी कि भूत चिकित्सा का मतलब भूत के लिए नहीं अपितु भूत चिकित्सा का मतलब जो हम बचाव के लिए जो उपाय करते हैं पर्यावरण की शुद्धि के लिए बैक्टीरिया वायरस को दूर करने के लिए, वो आज के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है, इसीलिए हम इसको समझें और इसको हम इसके अंतर्गत यदि हम बात करें ये इसके अंतर्गत में यदि हम बात करें तो मानसिक रोग, क्योंकि मानसिक रोग में बहुत सारी तरह के जो विकार होते हैं वो भी इसी के कारण से होते हैं, तो जो मानसिक रोगों की भी चिकित्सा करते हैं हम तो उनको भी हम मानते हैं कि ये भूत विद्या के अंतर्गत है, जिसके अंदर हम बहुत तरह के कार्य करने पड़ते हैं, लोगों को नशे आदि के द्वारा सुंघाना, उनको नियंत्रण करने के जो साधन हैं, कई बार मानसिक उन्माद में होता है तो आदमी को पकड़ना भी पड़ता है, बांधना भी पड़ता है, डराना भी पड़ता है, धमकाना भी पड़ता है, तो इस तरह के जितने भी जो उपाय किए जाते हैं, कुछ धुआं दिया, कुछ हमने सुंघाया, कुछ नस्य डरा, कुछ अंजन किया, तो जितने भी विधाएं हैं ये एक योग्य चिकित्सक ही कर सकता है, ये झाड़ फूक का नाम कहने की कोई भी झाड़ू उठा के कर दे, कोई भी धुआं डाल करके कर दे, ये पूरा विज्ञान है, साइंस है और ये वो कर सकता है जो कुशल वैद्य है, जो आयुर्वेद का अच्छा जानकार है। तो इसको मैंने जैसे कहा कि भूत विद्या का अर्थ क्या है, भूत का अर्थ क्या है, विद्या का अर्थ क्या है, तो इसकी जो चिकित्सा है यह एक आयुर्वेद का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और यह महत्वपूर्ण पार्ट है, हम इसको समझें। चौथे नंबर पर हम बात करते हैं शल्य चिकित्सा या जिसको शल्य तंत्र कहा जाता है, जिसके अंदर हम विविध तरह के जो यंत्र हैं शस्त्र आदि के माध्यम से हम जो क्रिया करते हैं, शल्य जो आज मॉडर्न मेडिकल साइंस के अंदर में हम बात करते हैं सर्जरी की बात, सर्जरी की उत्पत्ति ही हमारी सुश्रुत से हुई है, यानी जिसके अंदर हम चीर फाड़ करते हैं किसी भी यंत्र और शस्त्र के द्वारा करते हैं जिसको सर्जरी हम कहते हैं, तो इसमें प्राचीन काल से ही बहुत हमारी जो विधाएं बहुत ही उन्नत थी, तो इसमें विशेष कर करके प्राचीन काल में कहीं चोट लग जाए, घाव हो, या बाण से जिसको नाराज कहते हैं, भाला से या बर्छी आदि से, बंदूक से, कुंदा से, तलवार से, जितने भी जो शरीर में चोट आदि होने पर जो चिकित्सा की जाती है, यानी कि जहाँ कटा है उसको सिलना है, या कोई चीज़ उसके अंदर घुस गई है उस विषाणु जीवाणु चीज़ को निकालना है, या कोई अंदर जा करके कई शरीर का अंग प्रदूषित हुआ है उसको काट करके निकालना है, तो ये सारी चीज़ें जो है इस चिकित्सा के अंतर्गत आती थी। और हम ये भी कह सकते हैं कि यदि प्राचीन काल में देखें तो आयुर्वेद में जो हमारे ये यंत्र है क्षार अग्निशस्त्र अग्निकर्म भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण था, और औषधि के साथ साथ में पथ्य, यानी कि इन सारे उपायों से सर्जरी के साथ साथ में औषधियाँ और पथ्य, इन सब का भी हम लोग प्राचीन काल में प्रयोग करते थे। और बहुत सारे इतना ही नहीं, आप कहेंगे कि क्या मैं बात कर रहा हूँ तो सिर्फ फोड़े फुंसी या अंदर कोई चीज़ इस तरह के व्याधीय तत्व इकट्ठा होना या कहीं से कटना चोट लगना इन्हीं की बात आयुर्वेद में वर्णन है, नहीं, आयुर्वेद के अंदर तो मैं कहना चाहता हूँ कि सुश्रुत के अनुसार तिनका, लकड़ी का टुकड़ा या बंदूक की गोली के अलावा भी भाई
मलों से उत्पन्न पीड़ाकारक रोग भी कहा गया है, जिसके अंदर कि अनेक तरह के दोष से जो हमारे शरीर के अंदर जो विकार उत्पन्न होता है उसको भी उसको शल्य शल्य माना गया है। तो इसीलिए उसकी जो सर्जरी करने के लिए ये हमारे यहाँ पहले से ही विधान किया गया है। तो जो सर्जरी का विधान है वो प्राचीन काल से ही हमारे शास्त्रों के अंदर बहुत गहनता के वर्णन किया है। ये आयुर्वेद का एक आयुर्वेद की विशेषता है। पाँचवें नंबर पर बात करूँ शालाक्य। शालाक्य हमारे यहाँ जिसको हम शालाक्य को हम ऊर्ध्वजत्रुगत रोग भी कह सकते हैं। ऊर्ध्वजत्रु अर्थात हमारा कंठ है, सर है, मुख नाक है, गला है, जो आजकल जैसे हम कहते हैं ना ENT, जिसको इसको शालाक्य हम कहलाते हैं। तो इसके अंदर प्रायः क्योंकि शालाक्य इसको इसीलिए कहते हैं कि उसमें शाला का जो प्रवेश है जो उसकी सहायता से की जाती है, इसलिए इस शाखा को शालाक्य नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने कहा कि हम लोग इसको आधुनिक विधा में हम जो ENT के रूप में जानते हैं। तो इसके अंदर जितने भी जो रोग हैं उनके लिए हमारे यहाँ नेत्र रोग आदि के लिए सर्जरी से लेकर के औषधि से लेकर के पंचकर्म से लेकर के षटकर्म से लेकर के विविध तरह की शोधन की प्रक्रियाएं, विविध तरह के औषधियों का वर्णन है, ये शालाक्य कहता है। छठे नंबर पर जिसको अगध तंत्र कहते हैं, अगध तंत्र जो है जहाँ पर ये जो सर्प कीट आदि जितने भी जो पॉइजन है, जो अलग अलग तरह के विषयों की पहचान करना, उसको जो है ना उसकी चिकित्सा करना, जितने भी तरह के विष हैं चाहे वह स्थावर विष हो, पेड़ पौधों से हो, खनिज पदार्थों से उत्पन्न विष हो, चाहे जांगम विष जिसको बोलते हैं जीव जंतुओं के विष हो, या संयोगजन्य विष कई बार कई पदार्थों के सम्मिश्रण से भी जहरीला हो जाता है, जैसे हमारे इसीलिए कहते हैं कि किसके साथ क्या मिला के खाना है, वो उसमें भी यदि गड़बड़ हो जाता है तो उससे भी विष हो जाता है। तो इस तरह के चाहे जहरीला जहर अंदर से लिया गया है, बाहर से लिया गया है अंदर, या जहर कोई चीज़ लेने के बाद में अंदर जाकर के पैदा हुआ है, या खाने से हुआ है, किसी के काटने से हुआ है, या किसी भी कारण से हुआ है, उनकी सबकी जो चिकित्सा करने का जो हमारे यहाँ विधान था उसको हम इस तरह से विष चिकित्सा के रूप में हमारे यहाँ पहले से इसको किया जाता था। इसके बाद में फिर सातवें नंबर पर है जिसको बोलते हैं रसायन तंत्र। तो जो रसायन तंत्र है ये वय स्थापन के लिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो रसायन शब्द का अर्थ ही रस और अयन ये दो शब्दों के मेल से बना है, और इसीलिए इसका मतलब है कि हमारा रस शब्द का जो अर्थ है शरीर की जो रस यानी रस रक्त आदि जो धातुएं, जो सात धातुएं हैं जो जीवन धारण के लिए आवश्यक हैं, और उनका जो अयन का अर्थ है उनकी प्राप्ति यानी रस रक्त मांस मज्जा आदि। तो रस अयन रस की प्राप्ति के जो उपाय हैं उसको रसायन कहा जाता है, यानी कि जिससे धातुओं की प्राप्ति हो, धातुओं का पोषण हो, धातुओं का संरक्षण हो, प्राप्ति पोषण और संरक्षण यह है रसायन। इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि संपूर्ण चिकित्सा जिसके द्वारा रस रक्त आदि धातुओं की वृद्धि होगी, और धातुओं की वृद्धि होगी तो मन में उत्साह होगा, उल्लास होगा, हमारी जो शरीर और इंद्रियां हैं उसमें दृढ़ता आएगी, त्वचा में जो है ग्लो होगा और झुर्रियाँ नहीं होंगी, असमय में बाल सफ़ेद नहीं होंगे, यानी कि उसमें बुद्धि भी बहुत अच्छी काम करेगी, आयु की भी वृद्धि होगी, यानी हम स्वस्थ भी होंगे, हम निरोग भी होंगे, हम आयुवान भी होंगे। ये इसको करने के लिए जितने भी उपाय हैं, जितने भी औषधियां हैं, जितने भी सावधानियां हैं, आगे हम इन्हीं की चर्चा करेंगे, बात करेंगे, ये सब कुछ रसायन चिकित्सा के अंतर्गत ये हम मानते हैं आयुर्वेद के अंदर। तो अष्टांग आयुर्वेद में अंतिम रसायन के बाद में है वाजीकरण। वाजीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है आयुर्वेद के अंदर। वाजीकरण शब्द का जो अर्थ है ये वाजी और करण, यानी कि इसमें ये लिखा भी है कि अवाजी वाजी क्रियते अनेन इति वाजीकरणम, अर्थात जो अवाजी है, अवाजी मतलब जिसके पास शुक्र नहीं है, जो बल वीरहीन है, या जो संतान उत्पत्ति करने में सक्षम नहीं है, जो नामर्द है, आजकल सेक्सुअल डिजीज की बहुत की जाती है, सेक्स की बहुत, मतलब हम लोग अति कामुकता और काम की बात करते हैं, और मरा से मरा भी जो है ना यदि कहीं कामुकता की बात सुनते हैं तो उनको लगता है कि ये तो पता नहीं कहीं हमको कोई बड़ा कोई खजाना मिलेगा। पर मैं कहना चाहता हूँ कि अवाजी वाजी क्रियते, यानी कि आपको भौतिक सुख चाहिए, सामर्थ्य सुख चाहिए, जो सेक्सुअल डिजायर्स पूरा भी करना चाहते हो, तो पहले अवाजी को वाजी होना होगा, यानी आपको शुक्र संपन्न होना होगा। तो इस तरह की औषधियाँ मात्र और मात्र जिसको शुक्र संपन्न करने की औषधियाँ आयुर्वेद के अंदर ही वर्णित हैं,
इसीलिए इसके अंदर संतान उत्पत्ति की बात हो चाहे शारीरिक सुख की प्राप्ति की बात हो तो इसको हम वाजीकरण के रूप में जानते हैं। तो जिसके अंदर वाजीकरण चिकित्सा ही एक ऐसी चिकित्सा जिसमें शुक्र की गुणवत्ता शुक्र की मात्रा बढ़ाने में सहायक है, इसीलिए इसको हम वाजीकरण कहते हैं। ये सभी तत्व साधन शुक्र की कमी शुष्कता दूषितपन क्षीणता जितने भी जो दोष हैं शुक्र के अंदर हैं तो ये सब हम आयुर्वेद के अंदर वाजीकरण हम कहते हैं। ये इस सब का वाजीकरण के रूप में आयुर्वेद में वर्णन है। तो इस तरह से मैंने आपको जो अष्टांग आयुर्वेद है आयुर्वेद का जो क्षेत्र है उनका जो कार्य है इसके विषय में मैंने आपको बताया, इसीलिए कि हम इस अष्टांग आयुर्वेद के माध्यम से किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं किस तरह से निरोग हो सकते हैं और होने पर अलग अलग उपायों से किस तरह से हम बीमार होने पर कैसे समाधान कर सकते हैं। तो इसमें सभी शाखाओं पर ऋषि मुनियों ने अलग अलग ग्रंथ बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, पूरा जो आयुर्वेद है इसी पर निर्भर है। तो हम आगे आने वाले समय में इनके विषय में विशद चर्चा करेंगे, विशेष करके काय चिकित्सा के अंदर जैसे हमने कहा वात पित्त कफ आदि दोष हैं, जो रस रक्त आदि जो धातुएं हैं या अलग अलग जो पंच महाभूत आदि हैं इनके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आप इस विज्ञान से इस विधा से जुड़े रहिए, फिर हम कल आपसे मिलते हैं अनेक विषयों में हम और चर्चा करेंगे। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन ऋषिकल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन, हिंदी अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, आज ही घर लाएं आयुर्वेद से स्वस्थ जीवन का आधार पाएं।